क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठ रखा, किसके दबाव में उठ रखे। अध्यक्ष मोदी, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। संसद का सत्र शुरू होते ही जो ही राहुल गांधी की संसद में एंट्री होती है, नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष को नमस्कार करके और संसद से बाहर चले जाते हैं। अब तो लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विपक्ष को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा है, विपक्ष की बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलौकिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा तक के लिए है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता विपक्ष होती है और विपक्ष ही जनता होता है। संसद में सपा के कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने पेपर लीक और नीट के मामले में जमकर बरसा। अध्यक्ष मोदी, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष मोदी, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे, लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव के स्पीच का जवाब देते हुए ऐसा बोल गए जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये भी बता दिया कि पिछले 7 सालों में किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जिस बात को देश का कोई भी नागरिक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको पता है कि पेपर लीक किस चरम तक पहुंच गया है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी, इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए। पेपर लीक और अन्य मामलों में संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी जमकर बरसा, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार और भाजपा के लोग बिल्कुल बुरी तरह से बौखला गए। स्पीकर सर, It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर, ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing
टू फिक्स दिस इशू एट अ सिस्टेमिक लेवल। सरकार के लोग और भाजपा के लोग विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। देश को मजबूत विपक्ष 10 वर्षों के बाद मिला है और 10 वर्षों के बाद भी सरकार के लोग अभी तक ये आदत डाल नहीं पाए हैं कि विपक्ष के नेता और विपक्ष की बातों को डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष ही जनता की आवाज़ होती है, विपक्ष की आवाज़ ही जनता की आवाज़ होती है और विपक्ष ही जनता होता है। जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुनके मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। सब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान। देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर, मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पुरानी बातों को उधेड़ने लगे और अपने इस सिस्टम से बचने की नाकाम कोशिश करने लगे, हालांकि बचने वाले हैं नहीं और विपक्ष इनको बचने देगा नहीं। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठ रखा, किसके दबाव में उठ रखे, क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठ रखा था। सच सुनने की सामने है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो किसी की विद्वता पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, प्रश्न उठाने लायक है कहा। अपनी विद्वता को पहले ध्यान देख लीजिए ना, आप कितने दिन से शिक्षा मंत्री हैं और उसमें पेपर लीक इत्यादि घटनाओं किस प्रकार से हो रही है, अपनी विद्वता पर देख लीजिए, अपनी विद्वता को झांक कर देख लीजिए ना, उसके बाद किसी की विद्वता पर प्रश्न उठाएंगे अथवा नहीं उठाएंगे। ये मैं किसी की विद्वता पर प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठ रखा, ये हमको प्रश्न पूछते हैं। विपक्ष अब सरकार को अपने पंजों में दबोच लिया है और सरकार विपक्ष इन बातों से बच नहीं सकती है। There is no evidence of paper leak in last 7 years, any numbers. संसद के पटल पर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाला मैटर भी संसद में उठा दिया गया। हालांकि इस मैटर पर अभ्यास करने के लिए अध्यक्ष ने थोड़ा सा रोका, लेकिन इस मैटर को भी उठा दिया गया और इस पर भी प्रश्न कर दिया गया और सरकार की सांप्रदायिक नीतियों को देश के सामने संसद के माध्यम से रख दिया गया। जिन सांप्रदायिक नीतियों पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा जड़ दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का स्वागत करता हूं, जो प्रश्न मैंने उठाया था सुबह, इंतरिम आदेश जारी करते हुए उन्होंने रोक लगा दी है नेम प्लेट इस्तेमाल करने के। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। नीट यूजी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पेपर लीक को लेकर जितनी जांचें सामने आई है वो सब कोर्ट के सामने रख दी गई है। सीजीआई खुद बेंच के अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए बनने के बाद से 240 एग्जाम कराए जा चुके हैं, 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है, 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्र परीक्षाओं में बैठ चुके हैं। There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers?